मेरी गाड़ी की कमानी टूट गई है और इसको रिपेयर करने के लिए मैं वर्कशॉप आ गया हूँ। मेहरान की कमानियाँ बहुत नाजुक होती हैं और जल्द टूट जाती हैं, इसमें आपने बहुत ख्याल करना है। अगर आपकी गाड़ी के शार्क पिछले शार्क का अब्ज़र कमज़ोर हैं तो आप कोशिश करें कि उन शार्क अब्ज़र को आप चेंज कर लें। 3 से 4 हज़ार तक का ख़र्चा आता है तो उसकी वजह से कमानियाँ नहीं टूटती। अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी की शार्क अब्ज़र कमज़ोर है तो कमानियाँ टूटने का ख़तरा होता है। कमानियों में से अगर मेन कमानी टूट जाए तो फिर आपने गाड़ी में से लोड कम कर देना है, अदरवाइज़ अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर गाड़ी का एक साइड टेढ़ा होने का ख़तरा होता है। जी तो यहाँ पर अब कमानियाँ उनका लेवल ठीक किया जा रहा है, लेवल में फ़र्क आ जाता है तो फिर इसको अब लेवल में लाया जाता है और ये बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो पैसों में आप कंजूसी ना करें, ये मज़दूर लोग हैं और इनको मतलब पैसों में कोशिश करें कि आप ज़्यादा पैसे दे दें। इस भाई ने बड़ी मेहनत से हमारी गाड़ी की कमानियाँ ठीक की हैं और अच्छा काम जब ये लोग करते हैं तो दिल को भी खुशी होती है और तसल्ली मिलती है कि काम ठीक हो गया है। ये बुश है,
ये भी कमानी के ऊपर लगाया जाता है ताकि जब इस पे ज़ोर पड़े तो ये भी थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त कर लेता है। तो कमानी को आप चेक करते रहा करें, अगर इसमें कोई फ़र्क है तो आप टाइम पे इसका बंदोबस्त करें, क्योंकि जब इस पे लोड पड़ता है फिर टूटने का ख़तरा होता है। शार्क अब्ज़र भी आप चेक कर लें, अगर वो लीक हैं तो आप उनको चेंज करें। ये इस पे इसके साथ इस तरह पट्टी लगाई जाती है ताकि इस पे जो लॉक लगाया जाता है वो मज़बूती से लगे। अभी इस पे ये लॉक लगाया जा रहे हैं तो ये इसकी वजह से ये अच्छी तरह लग जाता है। मैंने इनसे पूछा कि ये कमानियाँ क्यों ख़राब हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि आप खड्डों में और स्पीड ब्रेकर पे आप एहतियात से गाड़ी चलाएं तो इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा ये कि शार्क अब्ज़र अगर ठीक हों तो फिर ये कमानियाँ इतनी जल्दी नहीं टूटती। तो अभी ये रिपेयर होकर वापस लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ी अच्छी तरीके से इस भाई ने काम किया और मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई कि अच्छा काम किया है इन्होंने। हर साड़ी ब्रेकर जो कड़े तो सी ब्रेकर ही नहीं चला रहे मतलब का ब्रेकर ना बहुत ज्यादा मशहूर।